तो हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं फ्री फायर की सबसे बेस्ट एम लॉक हेडशॉट ट्रिक के बारे में। आप में से 90% बंदों को हमेशा एम को लेकर प्रॉब्लम आती है, यानी आप लोगों का ज्यादातर बॉडी पर एम लॉक होगा या फिर आप लोगों की एमओ हवा में बहुत ज्यादा फायर होंगी, लेकिन आप लोगों का हेड पर नाक के बराबर एम कनेक्ट होता है। तो भाई मेरी तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ऐसी एम लॉक ट्रिक के ऊपर वीडियो नहीं देखी होगी। आज की वीडियो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो तुम्हारे सभी मोबाइल पर वर्क करने वाली है। अगर आपके पास लो डिवाइस जिसका रैम 2GB 3GB 4GB या फिर आप लोगों के पास हाई डिवाइस जिसका रैम 6GB 8GB या फिर 12GB रैम है या 12GB प्लस है, तो भाई यहाँ पर जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो सभी मोबाइल पर वर्क करने वाली है। तो भाई अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में। अब देखो आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपनी एम को रेड रखेंगे तब हमारे ज्यादा हेडशॉट पड़ेंगे या फिर हम अपनी एम को वाइट रखेंगे तब हमारे हेडशॉट ज्यादा पड़ेंगे। तो चलो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रेड एम लॉक ट्रिक के बारे में। अब देखो यहाँ पर मैंने इस क्लिप को पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे गाइस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रेड एम लॉक ट्रिक के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको वाइट एम लॉक ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेड एम लॉक ट्रिक की, तो देखो अगर आप लोग अपनी एम को एनिमी के ऊपर रेड रख दो तो उस टाइम पर आप लोग चाहे कितना भी ड्रैग कर लो, चाहे कितना भी फायरोटन को ऊपर की साइड खींच लो, आप लोगों का जहाँ पर एम होता है वो वहीं पर चिपक जाएगा। जैसा कि तुम यहाँ पर इस क्लिप में देख पा रहे हो कि मैंने अपना जो एम है वो रेड रख रखा है, उस टाइम पे मैं अपने फायरोटन को ऊपर की तरफ झटके के साथ भी ड्रैग करता हूँ, पूरा का पूरा ऊपर भी खींच रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरा एम है वो वहीं पर चिपक गया है। तो गाइस इस बात से यह पता चलता है कि अगर आप लोग अपने एम को रेड रखते हो तो गाइस वो बंदे के जहाँ पर आप लोगों ने रेड किया हो वहीं पर ही चिपक जाएगा। जैसे अगर आप लोगों ने चेस्ट पर किया तो चेस्ट पर चिपक जाएगा, अगर आप लोगों ने पैरों पर किया है तो पैरों पर चिपक जाएगा। तो गाइस ये तो गई आप लोगों की रेड एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं वाइट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात, कि अगर आप लोग अपनी एम को वाइट रखते हो तो उस टाइम पर आप लोगों के हेडशॉट पड़ने के चांस कितने परसेंट तक होते हैं और आप लोगों का अपना जो एम है वो बैट रख के किस तरीके से हेडशॉट मारना है। तो भाई अगर आप लोग अपनी एम को रेड करके सामने बंदे पे हेडशॉट मारोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% चांस होते हैं कि आप लोगों का हेडशॉट पड़े, लेकिन भाई अगर आप लोग अपनी एम को बैट करके सामने बंदे पे फायर करते हो उस टाइम पे आप लोगों के 99% या फिर 90% तक चांस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों का ईजी तरीके से हेडशॉट ही पड़ेगा। तो भाई देखो जब भी आप लोग किसी भी सामने एनिमी को वन टैप मारो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपना जो एम है वो बैट रखना है, लेकिन भाई साथ में आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि आप लोगों का हमेशा जो अपना एम है वो आपके कंधे के पास होना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोगों का एम आपके कंधे के पास है तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी के कंधे के पास ही जाएगा, तो आप लोगों को उस टाइम पर हल्का सा ड्रैग करना है तो वो एम कंधे से हटके सीधा एनिमी के हेड पे जाके चिपक जाएगा। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 2000 डायमंड का गिवअवे चल रहा है, तो आज आप लोग जैसे इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पर आप लोगों को एक लिंक दिखेगी, सिंपली आप लोगों को उस लिंक पर टैप करना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को डाउनलोड ऐप करके एक ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन जैसे आप लोग इसे करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, उसमें आप लोगों को अपना जो मोबाइल नंबर होता है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी इसमें सिंपली आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट जो दिखती है इन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोनस समरी पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग बोनस समरी पर क्लिक करोगे आप लोगों को अपने गेम की जो यूआईडी होती है वो इसमें डाल देना है। जैसे आप लोग अपनी गेम की यूआईडी डालोगे उसके बाद आप लोगों को 2000 डायमंड सेलेक्ट करके रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना, आप लोगों की आईडी में 2000 डायमंड इजी तरीके से आ जाएंगे। आप लोगों को 2000 डायमंड लेने के लिए इसमें सिंपली रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑलरेडी नंबर रजिस्टर करके बोलता है तो आप लोगों को न्यू नंबर लेना है जो कि आपके मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त किसी का भी नंबर हो जिससे आप लोगों ने पहले इसमें रजिस्टर नहीं किया, उस मोबाइल नंबर से आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हो। चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो भाई इसके लिए आपको सिंपली अपना जो फ्री फायर गेम है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों करेक्टर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। अब देखो यहाँ पर मैं करेक्टर बता रहा हूँ, उस करेक्टर को आपको हमेशा यूज करना है, चाहे आप लोग कोई सा भी करेक्टर यूज करते हो या ना करते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको करेक्टर बता रहा हूँ वो करेक्टर को हमेशा आप लोगों को यूज करना ही करना है। उस करेक्टर का नाम है डीबी करेक्टर। अब डीबी करेक्टर की एबिलिटी ये होती है कि अगर आप लोग फायर करते टाइम जॉयस्टिक का यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोगों की मूवमेंट स्पीड को 30% तक बढ़ा देगा और आप लोगों की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको 60% तक बढ़ा देगा। तो आप लोगों को हमेशा डीबी करेक्टर का यूज करना है क्योंकि इससे आप लोगों की मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी और आप लोगों की जो गन की एक्यूरेसी होती है वो भी आप लोगों की बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और आप लोगों को हेडशॉट मारने के लिए एक्यूरेसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमेशा आप लोगों को हमेशा डीबी
कैरेक्टर का यूज करना ही करना है। और मैं भाई तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि देखो यार, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो भाई मैं आपको ए से लेकर जब तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई फेसबुक पेज पर भी मेरे को फॉलो कर देना, क्योंकि यार तुम सभी को पता है कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो थोड़े से आपके सपोर्ट की जरूरत है। नीचे साइड देखो आप लोगों को लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन और फॉलो वाला बटन तीनों दिख जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।